Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and the notification. अम्बेडकर नगर में पुलिस की सरेआम गुंडई की खबर दिखाने का असर हुआ है। पुलिस ने आरोपी दो पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड के जवान को सस्पेंड कर दिया है। एक वीडियो सामने आया था जिसमें पुलिसकर्मी बस चालक और परिचालक की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। विवाद किराया देने को लेकर हुआ था, जहां ट्रैफिक में तैनात सिपाही अपने परिवार के साथ निजी बस में सफर कर रहा था। जब परिचालक ने किराया मांगा तो अकबरपुर तिराहे के पास पुलिसकर्मी ने अन्य साथियों को बुलाकर मारपीट की। आज रविंद्र प्रताप सिंह हेड कांस्टेबल ट्रैफिक के हैं, लखनऊ से आ रहे थे। इनका विवाद एक बस कंडक्टर और खलासी से हो जाता है, प्राइवेट बस थी। इसके बाद तहसील तिराहे पर जब अम्बेडकर नगर आते हैं तो पुनः इनका विवाद हो जाता है। उस विवाद में साथ में वहां तैनात क्यूआरटी के कांस्टेबल राजा राम यादव और होमगार्ड आत्माराम ये भी सम्मिलित हो जाते हैं। इन लोगों के द्वारा अभद्रता की तस्वीरें प्राप्त हुई हैं, जिनका संज्ञान लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई की गई।